रेबीज जां हल्का एक अत्यंत घातक रोग है जिहड़ा हल्काए कुत्ते जां होर थणधारी जानवर दे कट्टण नाल जानवर तो जानवर अते जानवर तो बंदे तक फैल सकता है। डंडिंग इस रोग दे कटाणु हल्के हुए जानवर दी थुक विच भरपूर मात्रा विच होण कारण यह रोग जानवर दे कट्टण अते चट्टण नाल ज़्यादा फैलता है। डंडिंग जदों कोई हल्किया जानवर किसी नूं कट्टदा है तां हल्का दी बीमारी दे कटाणु शरीर दियां नाड़ियां राहीं हौली हौली दिमाग विच चले जांदे हन अते उत्थों फिर पूरे शरीर विच फैल जांदे हन। डंडिंग हल्का होने ते मरीज दे शरीर विच अकड़ा आ जांदा है अते जदों मरीज कुछ पीण लगदा है तां उस दियां मूंह दियां मांसपेशियां आकड़ जांदियां हन जिस नाल वह कुछ भी पीण दे असमर्थ हो जांदा है। डंडिंग हौली हौली उस दे अंदर एक डर दी भावना पैदा हो जांदी है अते फिर वह पानी दी आवाज़ तो भी डरन लग जांदा है। डंडिंग एक बार हल्का होने ते प्रभावित व्यक्ति दा बचना असंभव है। डंडिंग इस करके जदों भी कोई कुत्ता कट जावे तां मरीज नूं मुढ़ली सहायता दे तौर ते सब तो पहलां कटे हुए स्थान नूं साबण अते पानी नाल 4-5 मिनट धोना चाहिदा है तां जो जे उस जख्म ते कोई कीटाणु जां धूड़ मिट्टी पई है वह साफ हो जावे। डंडिंग इस उपरंत मरीज नूं टैटनस दा टीका लगवा देना चाहिदा है। डंडिंग कई बार अज्ञानता वजों लोक जख्म ते लाल मिर्च सुरमा मिट्टी जां सरों दा तेल लगा दिंदे हन जो कि बिल्कुल ही उचित नहीं है। डंडिंग इत्थों तक कि जख्म ते पट्टी भी नहीं बननी चाहिदी क्योंकि इस नाल जख्म विच रीबीज दे कटाणुआं नूं वधण फुलण दा मौका मिल जांदा है। डंडिंग जे हो सके तां अजिहे कुत्ते नूं संगल नाल बन्न दिओ अते उस नूं मारन तों संकोच करो। डंडिंग उस ते बकायदा नज़र रखो अते डॉक्टर नाल राबता कायम करो तां जो ओ इस दा इलाज कर सके। डंडी पैरा रिबीज लई दो प्रकार दे टीके उपलब्ध हन। डंडिंग एक तां भेड़ दे दिमाग तो तैयार किते जांदे हन जो कि गिनती विच 7 तों 12 तक लग सकते हन अते ए पेट विच लगते हन पर अजकल साइंस दी तरक्की नाल सैल कल्चर टीके उपलब्ध हो गए हन जो मोढ़े विच लगते हन। डंडिंग गर्भ अवस्था दौरान भी डॉक्टर दी सलाह नाल टीके लगाए जा सकते हन पर हर टीके दा मुकम्मल कोर्स करना जरूरी है